पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का मौसम गर्म चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले से टीएमसी कार्यकर्ता नाराज हैं, तो वहीं शिवेंदु अधिकारी पर दांव खेलकर बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। लेकिन इन चुनावों की सबसे जरूरी सीट नंदीग्राम बन गई है, क्योंकि इस सीट पर ममता बनर्जी और शिवेंदु अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, शुभेंदु ममता में नंदीग्राम का संग्राम। पश्चिम बंगाल चुनावों में नंदीग्राम दाव पर मंदिर मंदिर घूम रहे शुभेंदु और ममता। मंदिर की घंटियों से गूंजता चुनावों का शोर। किसका होगा पश्चिम बंगाल और किसका होगा नंदीग्राम? विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के फैसले ने पश्चिम बंगाल चुनावों में सरगर्मी तेज हो गई है। इस चुनावों में दांव पर लगी है पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट। वैसे तो ये सीट हमेशा से ही शुभेंदु अधिकारी का गढ़ मानी जाती है। यही वजह है कि टीएमसी में रहकर साल 2016 में इस सीट से चुनाव जीतकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने थे। लेकिन टीएमसी छोड़ने के बाद से ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई है और पश्चिम बंगाल का ये चुनाव इस बार कुर्सी से ज्यादा बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक बचाने वाला चुनाव बन गया है। नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु आमने सामने। टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट वैसे तो भवानीपुर है, लेकिन इस बार जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो दीदी ने भी अपनी कमर कस ली और शुभेंदु को उन्हीं के सीट पर चुनौती देने के लिए मैदान में उतर गई। अपनी पारंपरिक सीट को छोड़कर नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद बीजेपी ने भी शुभेंदु को ही इस सीट से मैदान में उतारने का फैसला लिया और इस तरह से पश्चिम बंगाल की कुर्सी की लड़ाई अब शुभेंदु बनाम ममता हो गई है। इन दोनों के इस संग्राम में दांव पर लगी है नंदीग्राम की ये सीट। इन चुनावों का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गई है। नामांकन से पहले मंदिर मजार में ममता। बीजेपी अक्सर ममता को जय श्री राम नहीं बोलने को लेकर निशाने पर लेती रही और ममता पर हिंदुत्व के विरोध में होने का आरोप लगाती रही, तो ही ममता भी जय श्री राम का नारा लगाने से बचती नजर आती हैं। यही वजह है कि इन चुनावों में बीजेपी इस आरोप के साथ मैदान में उतर रही थी। लेकिन ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल करने से पहले अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और नामांकन दाखिल करने से पहले वो नंदीग्राम में एक मंदिर के दर्शन करने गई, साथ ही वहां पूजा की और चंडी पाठ भी पढ़ा। हालांकि मंदिर में दर्शन के बाद ममता बनर्जी एक मजार पर भी गई और कहा कि वो विभाजनकारी राजनीति में यकीन नहीं रखती, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के वार पर अपना पलटवार किया। मंदिर और मजार के दर्शन के बाद ममता बनर्जी टी स्टॉल पर लोगों को चाय बांटती दिखी, जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुआ। ममता बनर्जी के नामांकन के दो दिन बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी पहले नंदीग्राम के जानकी नाथ मंदिर में हवन और पूजन किया, साथ ही नंदीग्राम के सिंहवाहनी मंदिर में भी पूजा किया। इसके अलावा उन्होंने नामांकन से पहले हल्दिया में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से बंगाल में परिवर्तन आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार बीजेपी का साथ देगी और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए बीजेपी को ही लाएगी। प्रतियोगिता का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी ने 2019 में लोकसभा की 18 सीटें जीती थी। इस बार भारी अंतर से मजबूत सरकार बनाएंगे।
आइए अब आपको बताते हैं कि नंदीग्राम की इस सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है। नंदीग्राम दो सीटों, नंदीग्राम उत्तर और नंदीग्राम दक्षिण में विभाजित था। 1951 से 1962 तक नंदीग्राम उत्तर सीट पर कांग्रेस के सुबोध चंद्र मैती की रही। नंदीग्राम दक्षिण सीट पर 1962 में कांग्रेस के प्रवीर चंद्र जना ने जीत हासिल की। साल 1957 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा के भूपल चंद्र पांडा विजय हुए। 1951 के चुनाव में कांग्रेस के प्रवीर चंद्र जना ने जीत हासिल की। 1996 के विधानसभा चुनावों में इस सीट पर कांग्रेस के देवी शंकर पांडा विजय हुए। 1967 से 1972 तक भाजपा के भूपल चंद्र पांडा इस सीट पर विजय होते रहे। इसके बाद दो सीटों में बटा नंदीग्राम एक ही सीट में बदल गया। 2006 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के इलियास मोहम्मद विजय हुए। 2009 के उपचुनाव में इस सीट पर टीएमसी की फिरोजा बीबी विजय हुई। 2011 में नंदीग्राम सीट से फिरोजा बीबी टीएमसी के टिकट पर विजय हुई हैं। साल 2016 में टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी के नाम रही नंदीग्राम की सीट। अब देखना ये होगा कि ये सीट इस बार किसकी होगी, शुभेंदु अधिकारी की या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। 8 चरणों में होंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे। पहले और दूसरे चरण में 30-30 सीटों, तीसरे चरण में 31 सीटों, चौथे चरण में 44 सीटों, पांचवें चरण में 45 सीटों, छठे चरण में 43 सीटों, सातवें चरण में 36 सीटों और आठवें चरण में 35 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। इन चुनावों में सियासी सरगर्मी देखकर यही लगता है कि ये चुनाव बीजेपी बनाम टीएमसी से ज्यादा शुभेंदु बनाम ममता बनर्जी हो गई है, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।